हाय दोस्तों, ये है AMD का सिस्टम, AMD प्रोसेसर का सिस्टम है। ये सिस्टम में AMD का प्रोसेसर है। इसका मदरबोर्ड पूरा कम्प्लीटली ख़राब हो चुका, रिपेयर होने के चांसेस भी नहीं है इसके। तो हम फिर AMD मदरबोर्ड ख़रीदना क्योंकि उसको ही डालना, AMD चलाना ऐसी ज़रूरत नहीं है। हम इंटेल को भी कन्वर्ट हो सकते हैं। इंटेल का प्रोसेसर, एक सेकेंड हैंड इंटेल का प्रोसेसर खरीद लीजिए और इंटेल सपोर्टेड, इंटेल चिपसेट का इंटेल प्रोसेसर सपोर्टेड मदरबोर्ड ले लीजिए। और रैम तो इसका ही है, DDR2 सपोर्टेड मदरबोर्ड ले ले तो DDR2 का ये सपोर्टेड है, या DDR3 का ले ले तो DDR3 का मिल जाएगा आपको, या DDR1 का तो बहुत पुराना है तो DDR2 का सपोर्टेड मदरबोर्ड भी एक प्रोसेसर ले लिए। अब हम AMD प्रोसेसर से सेम उसके ही सब पार्ट है, हार्ड डिस्क उसका ही है, DVD रीडर उसका ही है, SMPS भी वही सिस्टम है, समथिंग सब वही सिस्टम है, वही काम चलता। लेकिन आपको हम AMD से इंटेल को कन्वर्ट हो जाए। रैम उसका ही है, सिर्फ प्रोसेसर भी मदरबोर्ड चेंज हो रहा। कम खर्चे में आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। ये उसकी CD है मदरबोर्ड की, एक मदरबोर्ड के अंदर एक एक साटा केबल फ्री दिया है, एक बॉक्स है और इसका ये मैनुअल है। देखेंगे अब हम फिट करेंगे इसको। और एक याद रख लिए, ये जो SMB इसका जो CPU फ़ैन है, ये फ़ैन भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ये फ़ैन उसको नहीं सपोर्ट करता, वो चार होल्स रहते उसको मदरबोर्ड पे, वो चार होल्स में बैठने का फ़ैन रहता। ये भी फिट कर सकते लेकिन थोड़ा रिस्क रहता, बेटर देना आप उसके लिए अलग फ़ैन खरीद लीजिए। बहुत बोले तो आपको 200 में 150 में आ जाता फ़ैन। मदरबोर्ड फिट करें देखिए, ये प्रोसेसर के पास जरा आराम से लगाइए, अब प्लीज टूट ले जाए। अब थोड़ा सा पीस लगा दीजिए इसके ऊपर, मदरबोर्ड पर। प्रोसेसर पे थोड़ा सा पीस लगाइए, फुल पेस्ट बोलते हैं इसको। प्रोसेसर के हीट को सिंक करता है, अभी हमारे पास एक फैन है उसको इस मदरबोर्ड पर कर देंगे। रैम भी फिक्स कर देंगे इस पर।
हार्ड डिस्क फंक्शन, सीएमपीएस फंक्शन के लिए। DVD writer, ओके। हम अब इसको मॉनिटर लगा के कनेक्शन पर देखे, पावर लगा के पावर सप्लाई देखे ऑन करेंगे। लाइट ऑन, लाइट ऑन एकदम सपोर्ट, देखिए ऑन हो गया। USB मोड हो जाता, सेफ मोड पर ऑन कर लीजिए क्योंकि कुछ भी सेटिंग्स है तो सेटिंग हो जाता उसके। नहीं तो एक बार OS डालना पड़ेगा। और अभी तो ये नया रहा, लोड नहीं हो रहा, यानी फिर OS तो इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। विंडोज 7 या विंडोज XP, विंडोज 10, आपकी जो भी मर्जी है वो एक बार इंस्टॉलेशन कर दीजिए, कर लीजिए। मैं आपको अब इसके अंदर BIOS में बताऊंगा कि इसका क्या है, प्रोसेसर स्पीड क्या है, ठीक है यार। आपको BIOS में बताऊंगा कि उस पास प्रोसेसर क्या है, इसके हार्ड डिस्क डिटेक्ट हो गया, CD-ROM डिटेक्ट हो गया, CPU कॉन्फ़िगरेशन, 2.0 GHz प्रोसेसर है इंटेल का, डुअल कोर, इंटेल डुअल कोर प्रोसेसर है ये। तो इसका FSB स्पीड आके 800 MHz है, कैश मेमोरी आके आपको 1 MB है, देख लीजिए। देखिए हमने OS इंस्टॉलेशन कर दिया अभी सिस्टम में, प्रॉपर इसमें ये देखिए इंटेल पेंटियम डुअल को डुअल प्रोसेसर उनके, देखिए 2.0 GHz का 1.99 बता रहा, और 1 GB रैम है इसके अंदर, और DDR2 की है ये, 32 bit OS डाले हम लोग अपने सिस्टम। ओके दोस्तों, ऐसे ही आप लोग इंटेल से AMD कन्वर्ट भी हो सकते हैं आप लोग, या आप AMD से इंटेल भी कन्वर्ट हो सकते हैं। अभी तो मैं आपको AMD से इंटेल कैसे कन्वर्ट होना बताया। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो रहते हैं आपको पहले आप ही देख सकते हैं। ओके दोस्तों।